आज का 6 डिग्री है और जगह जगह आपको इस तरह से ऊपर कोहरा से ढका हुआ दृश्य, नीचे माँ गंगा की बहती धारा, उड़ते हुए पक्षी और स्नान करते हुए श्रद्धालु, काफ़ी सुंदर नज़ारा। हाय दोस्तों, हर हर गंगे, नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। और आप देख रहे हैं पूरे घाट कोहरों से ढका हुआ है और श्रद्धालु एक एक नहीं दो दो तीन तीन गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अगर आप बाय रोड आते हैं तो रोड हाईवे का क्या दृश्य है और यहाँ पे गंगा घाटों में किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरे घाट आप देख रहे हैं कोहरों से ढका हुआ है, श्रद्धालु की संख्या कितनी है, घाटों में कितना समय हम प्रवेश करें और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हरिद्वार यात्रा के दौरान। तो चलते हैं, छोटी छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। ये आप देख रहे हैं लोग कितने सारे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, छोटे बच्चे को किस तरह से, ये आप देखेंगे छोटे बच्चे को किस तरह से कवर किया गया है ताकि आप जब आएँ तो आप इस तरह की प्लानिंग करके आएँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपको आज का 6 डिग्री है और जगह जगह आपको इस तरह से आ सकते हुए लोग दिखाई देंगे, पूजा की विधि कराते हुए लोग दिखाई देंगे। देख रहे हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु है जो कि स्नान कर रहे हैं। और एक तो श्रद्धालु 10 बजे के बाद घाटों में प्रवेश करते हैं क्योंकि हवाओं की गति थोड़ी कम होती है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे, और अगर आप 10 बजे पहले आएंगे तो आपको और भी बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा, घना कोहरा होगा, सुबह सुबह तो और भी कुछ नहीं दिखाई देता, इतनी ज़्यादा ठंडी भी होती है। सुबह 4 बजे की बात कहें, 5 बजे की बात कहें तो टेम्परेचर 4 डिग्री होता है जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड। इस बार की जो ठंडी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, देख रहे हैं जगह जगह आग जला के सेक रहे हैं लोग और कोहरों का दृश्य आपको आराम से देखने को मिलेगा। हर एक जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूर में आग लोग जलाए हुए हैं ताकि ठंडी से राहत मिल सके। आप देख रहे हैं वहाँ पे भी आग जला के सेक रहे हैं, देख रहे हैं पैदा पावनी माँ गंगा की जो जल की धारा है कितनी तेज़ है, कितनी पारदर्शी है। ऊपर कोहरों का जो दृश्य है पूरा देखने को मिल रहा है और ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं जो कि एक सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। इधर लोग स्नान कर रहे हैं, हरिद्वार अभी आप आ रहे हैं तो अभी प्रमुख घाट का दृश्य दिखाएंगे तो उससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे अभी कितना भीड़ है और लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं। और प्लानिंग का तो हमने बता दिया, रोड से आएंगे तो हाईवे का जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा, वो पूरी तरह से कोहरों से ढका हुआ मिलेगा। आपको यात्रा थोड़ी लेट करनी होगी, क्योंकि 10 बजे का दृश्य आप अभी देख रहे हैं, देख रहे हैं ये है नई घाट, घाट कोहरों से ढका हुआ है। इस तरफ थोड़ी सी श्रद्धालु कम दिखाई देंगे लेकिन इस तरफ देखेंगे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, मुंडन की विधि कर रहे हैं। इस बार के जो ठंड का रिकॉर्ड है ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्नोफॉल है वो थोड़ा कम हो रहा है लेकिन ठंडी ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे जब भी हरिद्वार आएंगे तो आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे श्रद्धालु जिनके साथ बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं, ऐसे अगर उनके पास गर्म कपड़े हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गर्म कपड़े नहीं लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे गर्म कपड़े का दुकान मिल जाएगा और
हमने वीडियो बना रखा है गर्म कपड़े का दुकान, यानी अपर और मार्केट और मोती बाजार मार्केट में काफ़ी सारे शॉप है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे गर्म कपड़े। और हम आ चुके हैं नई घाट के दूसरे किनारे पे। यहाँ से मनसा देवी के जो टेंपल है उनके सुंदर दृश्य देखने को मिलते थे, लेकिन अभी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि कोहरा ही कोहरा है। जूम करते हैं, शायद दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा है। ये है भागीरथी सेतु, माँ गंगा की जल की धारा आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। हर हर गंगे नमामि गंगे ये कमेंट करना ना भूलें, और आपका हरिद्वार आ रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करें। और आपको अगर कहीं और की वीडियो चाहिए हरिद्वार के अलावा तो आप वो भी कमेंट करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि वीडियो हमारे जल के माध्यम से मिले। देख रहे हैं ऊपर कोहरा से ढका हुआ दृश्य, नीचे माँ गंगा की बहती धारा, उड़ते हुए पक्षी और स्नान करते हुए श्रद्धालु, काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हर हर गंगे नमामि गंगे। घाटों में अच्छा ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन घाट खाली भी नहीं है, देख रहे हैं। जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे उम्मीद होती है धूप आने का, लेकिन लगता नहीं है कि धूप आएगा। ये देख रहे हैं धनुर्वृक्ष का दृश्य।